Namaskar and good morning to all of you. Thank you for giving me this opportunity. I work with an organization called Public Advocacy Initiatives for Rights and Values in India. We say that we work on intersections of development rights and sustainability. कुछ चीजें मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां पुष्पेन भाई जो बात कह रहे थे कि पॉल्यूशन के लिए फार्मर्स को ब्लेम करना, आई थिंक वी आर मेकिंग ए क्लासिसिस्ट नैरेटिव. इसके बहुत सारे रीजंस हैं और अगर हम फार्मर को सिर्फ ब्लेम करें तो दैट्स क्वाइट अनफेयर आई गेस. मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम लोग कह रहे हैं कि पंजाब से हवा आती है, बात सही है, पराली जलाने से हवा आती है पंजाब से, जिसकी वजह से कहीं पे भी अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो उसके चार पांच इंडिकेटर्स होते हैं. एक तो ज्योग्राफिक लोकेशन होता है, एक क्लाइमेट होता है, एक लैंड यूज़ लैंड कवर होता है, और लास्ट होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता है. इन सब के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक पॉल्यूशन का बिल्डअप किसी जगह पर होता है. दिल्ली का ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि एक सिंक जैसा है, और इस समय जो होती है हवा कम होती है, विंड स्पीड ऑलमोस्ट 0 to 2 किलोमीटर्स पर आ रहा है, जो कि जिसकी वजह से डिस्पर्सल नहीं हो पाता है पॉल्यूशन का. लैंड यूज कवर भी हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली वन ऑफ द ग्रीनेस्ट कैपिटल है, लेकिन आसपास के एरियाज़ में ग्रीन कवर काफ़ी कम हो रहा है. लास्ट थिंग दैट वी नीड टू कंसिडर इज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, जिसमें कि अभी फिलहाल के केस में पराली का कंट्रीब्यूशन, हम कहते हैं कि दिल्ली में तकरीबन दिल्ली के पॉल्यूशन में, पॉल्यूशन लोड में 30 to 35% कंट्रीब्यूशन जो है वो पैडी स्ट्रॉ बर्निंग का है. कभी कभी किसी पर्टिकुलर डेज पे ये 40% हो जाता है, कभी 50% हो जाता है. लेकिन एक तरह से हम समझें कि हम बात क्या कर रहे हैं. हम पंजाब की बात कर रहे हैं. पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये सारी जगह से, वेस्टर्न यूपी में थोड़ा बहुत क्रॉप बर्निंग होती है. दीज हैव बीन द फ्रंट रनर स्टेट्स इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन. और पंजाब ने फूड सेंट्रल पूल जो इंडिया का है, 2009-10 से लीडिंग स्टेट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सेंट्रल पूल टू द एक्सटेंट ऑफ 37 to 38% ऑफ द फूड ग्रेन्स. लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि पंजाब बींग वन ऑफ द मोस्ट advanced stage, not only in terms of production, but also in terms of mechanization of agriculture. Punjab में 4.5 lakh tractor है. लोगों का अनुमान है कि 1 lakh tractor से भी काम चल जाएगा. पंजाब में कंबाइन हार्वेस्टर इतने हैं जितनी कि शायद पंजाब में ज़रूरत नहीं होती है. हम देखते हैं कि रोड से कंबाइन हार्वेस्टर्स को आंध्र प्रदेश ले जाया जाता है. Despite the fact 98% of the cultivable area in Punjab is assured irrigation, despite the fact farmers in Punjab are in the poorest state, maximum indebted in the country. Punjab aur Andhra ke kisan jo hain aajkal sabse zyada karze mein hain, and you'll be surprised to know that on an average 3 farmers is committing suicide every day in Punjab even as we speak. Third generation farmers suicide karne lage hain. बरनाला में पिछले साल एक केस हुआ था लवप्रीत सिंह का. उसके पिताजी भी 1.5 साल पहले कर्ज के चक्कर में सुइसाइड कर चुके थे, और उसके दादाजी भी सुइसाइड कर चुके थे कुछ सालों पहले. वी आर इन द थर्ड जनरेशन ऑफ फार्मर्स कमिटिंग सुइसाइड. एक फार्मर पिछले साल मुझे पता चला कि अपने 5 साल के बच्चे को कमर में बांध के और तालाब कनाल में डूब गया. वो कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ, उसने नोट जो छोड़ा था वो, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा, मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का कर्ज है, वो मेरा बच्चा भर नहीं पाएगा, तो मैं इसको अपने साथ ही ले जाता हूँ. दैट इज़ द सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट. इसमें अगर आप फार्मर्स को स्ट्रॉ मैनेजमेंट के लिए अगर कहते हैं तो 5,000 रुपये पर एकड़ का कॉस्ट आता है, और अगर पंजाब में आप एवरेज औसत इनकम देखें पर एकड़ 3,000 का है, कहाँ से फार्मर मैनेज करेगा? फार्मर को आप कह रहे हैं आप हैप्पी सीडर लो, दैट्स अ फॉल्स सॉल्यूशन. हैप्पी सीडर इज बेसिकली इक्विपमेंट फॉर जीरो टिल ड्रिलिंग, जीरो टिलेज के लिए वो है. उससे अगर आप स्ट्रॉ मैनेजमेंट करोगे तो उसके नीचे जम जाता है और मशीन ऑपरेट नहीं कर सकता. 6, 7, 8 जब तक इक्विपमेंट और किसान खरीद ना ले तब तक इसका मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है.
उसके लिए किसान उतना पैसा खर्च नहीं कर सकता है। अगर किसान ये हायर भी करे कस्टम हायरिंग सेंटर से तो भी उसको जो है 10,000 रुपये एक एकड़ का खर्च पड़ेगा। तो किसान के पंजाब कह रहे हैं कि हमको 6,000 रुपये पर एकड़ आप कॉम्पनसेशन दे दें तो हम ये मैनेज करेंगे। मुझे बहुत बहुत आश्चर्य होता है, इन्होंने कहा पंजाब में 12.5 लाख मनरेगा कार्ड होल्डर हैं, इस दौरान आप उनको क्यों नहीं एम्प्लॉय करते हैं ताकि वो पैडी स्ट्रॉ निकालें, एक तिहाई कम से कम समस्या खत्म हो जाएगी उससे। तो ये हम नहीं कर रहे हैं। हैप्पी सीडर का दाम गवर्नमेंट ने 50% सब्सिडी ऑलरेडी दी हुई है और उसको कह रहे हैं कि 90% हम कर देंगे, जबकि मैं जानता हूं कि 10 में से 9 किसान जिनके पास हैप्पी सीडर ऑलरेडी है वो भी जलाते हैं क्रॉप रेसिड्यू जो है। तो इससे फ़ायदा किसका होगा? सिर्फ जो हैप्पी सीडर जो और कंबाइन हार्वेस्टर्स ये जो मशीन्स जो कंपनीज बना रही है उनके अलावा और किसी का फ़ायदा होने वाला नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि सरकार जो कंबाइन हार्वेस्टर्स बनाती है, मशीनें जो कंपनीज बनाती हैं, उनको क्यों नहीं कहती हैं कि आप ऐसा टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करो ताकि एक बार में ही वो धान भी निकल जाए और स्ट्रॉ भी निकल जाए। और ऐसी मशीन है, ऐसी मशीन जॉन डियर एक कंपनी है जो कि हिल्को टेक्नोलॉजीज जो US की एक कंपनी है उसके साथ मिल के उन्होंने ऐसा कंबाइन हार्वेस्टर बनाया है जो कि एक साथ फसल भी काटता है और बेल्स भी बनाता है जो रेसिड्यू होते हैं उसके। तो आप उनको क्यों नहीं कह रहे हो? ये तो हुई किसानों के साथ। तो किसानों को मुझे लगता है कि कहना कि किसानों की समस्या है तो अगर हम अगर ये कहते हैं तो ये अनफेयर कहते हैं। और ये बड़ा अच्छा परिचायक है कि हमारे समाज में हम किसानों को किस तरह से देखते हैं और सोचते हैं। मतलब इंडिया में बात करें या ग्लोबल लेवल पे भी बात करें, हम लोग कहते हैं कि फार्मर्स आर बीइंग विक्टिमाइज्ड टू सब्सिडाइज द इकॉनमी। इंडिया बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका। ग्लोबली भी मैं देखूं तो मुझे लगता है कि 2 डिकेड से फार्म गेट प्राइसेस जो है वो किसानों के लिए नहीं बढ़े। तो पूरी दुनिया में किसान और ख़ास करके जो छोटे किसान हैं उनके सामने ये बड़ी समस्या है, उसको हमको थोड़ा सा उस कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ की हम बात करते हैं जहाँ पॉल्यूशन मैनेजमेंट में अच्छा किया गया है, बीजिंग की बात करते हैं, लंदन की बात करते हैं, लॉस एंजलिस की बात करते हैं, मेक्सिको सिटी की बात करते हैं, उसमें मैं बाद में आऊँगा इन सब सिटीज़ पे। लेकिन कहीं भी बिना ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट किए हुए बिना नो सिटी हैज़ कंट्रोल पॉल्यूशन विदाउट रेगुलेटिंग प्राइवेट व्हीकल्स और ट्रांसपोर्ट। सो टू से दिल्ली में जो पॉल्यूशन लोड है उसका 40% जो है वो ऑटोमोबाइल से आता है, 10.8 मिलियन व्हीकल्स इन दिल्ली अलोन, और 3,000 गाड़ियां रोज़ NCR में सड़क पे आती हैं। अगर आप इसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं तो फिर ये बड़ा मुश्किल होगा। हम देखें पॉलिसी में क्या हो रहा है, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां और 10 साल से पुरानी डीजल की गाड़ियां नहीं चलेंगी दिल्ली में। अभी तक कितनी गाड़ी ऐसी, 4 मिलियन गाड़ियां हैं, 40 लाख गाड़ियां हैं NCR में, अभी तक जब्त कितनी हुई है, इवन लेस देन 1% ऑफ दोज व्हीकल्स हैव बीन इम्पाउंडेड, 1% से कम व्हीकल है इम्पाउंड किया गया है। 2010 में हमारा एमिशन स्टैंडर्ड जो था वो हमने दिल्ली में खैर BS4 चालू किया 2010 में, पूरे इंडिया में खैर वो अप्रैल 2017 में लागू हुआ, और 2010 से एमिशन स्टैंडर्ड में हमने कोई चेंज नहीं किया। अब हम कह रहे हैं कि वी विल ट्रांजिशन फ्रॉम BS4 डायरेक्टली टू डायरेक्टली BS6 इन 2025। मतलब 15 साल के एमिशन स्टैंडर्ड्स में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो क्या हालत होगी वो आप समझ रहे हैं। इसके अलावा पॉल्यूशन का लोड जो है, थर्ड बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इज इंडस्ट्रीज। दिल्ली से हमने इंडस्ट्रीज जो हजार्डस इंडस्ट्रीज थे उनको हमने शिफ्ट कर दिया, लेकिन कहाँ शिफ्ट किया, जस्ट ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, उनका जो एमिशंस है वो कंटिन्यूड है। तो अच्छा, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन का है दिल्ली के आसपास जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, और दिल्ली में जो दो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं ओखला में और गाजीपुर में, इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एक एमिशन स्टैंडर्ड लेके आई थी थर्मल पावर प्लांट्स के लिए, जो कि 2017 में
लागू होना था, लेकिन ये इंडस्ट्रीज की लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि दैट हैड टू बी पुश बैक टिल 2022, मतलब वो एमिशन स्टैंडर्ड 2022 से पहले लागू नहीं होंगे। वेस्ट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली में, 10,000 टन वेस्ट हम जो है डेली ओपनली डंप करते हैं ओखला में, गाजीपुर में, बलसवा में, जिससे बलसवा में आग लगी थी अभी अक्टूबर में, शायद आप लोगों को ध्यान होगा, और उससे ऐसे डायोक्सिन्स निकलते हैं जो कि 30-40% मोर देन द 30-40 times मोर देन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स है WHO के स्टैंडर्ड से। तो जब तक मुझे लगता है कि हम ये सारी चीज़ें सही नहीं करेंगे, तो ये तो खैर पराली की जो बर्निंग है वो 15 दिन का विंडो है किसान को पैडी को हटा के और फील्ड को मैनेज करके उसको वीट सो करना है, लेकिन उसके अलावा दिल्ली की प्रॉब्लम जो है, या मैं कहूँ इंडिया की प्रॉब्लम जो है, वो सिर्फ ये 15 दिनों की नहीं है। 15 दिनों के लिए दिल्ली को प्रॉब्लम होती है, इसलिए सरकारों को प्रॉब्लम होती है और देश को प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो आप लोग कह ही चुके हैं, पहले कह चुके हैं कि 25 में से 21 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ जो हैं वो इंडिया में हैं। PM 2.5 और PM 10, विच इज़ द मोस्ट डेंजरस, अगर मैं उसको काउंट करूँ तो WHO की स्टडी कहती है कि 12 out of 12 मोस्ट डेंजरस सिटीज़ बाय PM लेवल्स, पर्टिकुलेट मैटर लेवल्स, 11 इज़ इन इंडिया। लैंसेट का कहना है, लैंसेट कमीशन का 2015 की जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बताया था 9 million डेथ्स रिलेटेड टू पॉल्यूशन, अभी कोई 6 million कह रहे थे, डिफरेंट फिगर्स हैं, लेकिन वो कहना है कि 9 million पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ्स दुनिया में होते हैं और इसमें से आधे से ज़्यादा सिर्फ इंडिया और चाइना में होते हैं। 2.5 million का भी एक फिगर है जो कि डेथ जो है हर एक साल दिल्ली में होता है। तो मेरा कहना है कि एक जब तक हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, और ये एक दो साल की बात नहीं है, और सब सिटीज़ की हम बात करते हैं, बीजिंग की जो हालत है, बीजिंग आज काफ़ी सुधर चुका है, अभी रिसेंट इंडेक्स में मैं देख रहा था पॉल्यूशन इंडेक्स में तो वो 122nd पोजीशन पे है, इट्स वेरी सरप्राइजिंग, 1998 से लेके, लेकिन उनको 20 साल लगे 1998 से लेके 2008 में जब बीजिंग में ओलंपिक्स हुआ था। तो चाइना का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं, चाइना में काफ़ी अथॉरिटेरियन स्टेट है और वो कोई भी नियम को अगर पालन करना सोच लें, नोबडी कैन हैव वेज अराउंड इट, राइट, दे हैव टू डू इट, जो कहते हैं। लंदन की बात करें हम लोग, तो लंदन में 1952 स्मॉग ऑफ लंदन एक क्या कहा जाए, एक किंवदंती की तरह है, और उस पर हाल में कुछ फिल्म्स भी बनी है, लेकिन 1956 में पहला क्लीन एयर एक्ट UK आया था, जिसमें कि उन्होंने डोमेस्टिक और एमिशन फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सोर्सेज दोनों को कम किया, काफ़ी हद तक बेहतरी हुई है, बट स्टिल लंदन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। लेकिन अभी सादिक खान वहाँ के मेयर हैं और काफ़ी अच्छे प्रयास उन्होंने किए हैं, सेंट्रल लंदन को अल्ट्रा लो एमिशन जोन बनाया गया है। अल्ट्रा लो एमिशन जोन का मतलब है कि ईच कार हैज़ टू कम्प्लाई विद द स्टैंडर्ड ऑफ नॉट एमिटिंग मोर देन 75 grams ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर, और अगर कोई भी कार पॉल्यूट करता हुआ पाया जाता है, दे हैव हेफ्टी फाइन्स फॉर दैट। दैट वे दे वर एबल टू रिड्यूस 30% ऑफ द व्हीकुलर पॉल्यूशन फ्रॉम द सेंट्रल दिल्ली। अब वो कह रहे हैं कि अगले कुछ सालों में हम लोग जो है ये इसको और भी डिस्ट्रिक्ट्स में लंदन के ले जाएंगे, और बाई 2024 और 2025 दे से दैट दे विल ऑल देयर एंटायर फ्लीट ऑफ बसेस, लंदन में 9,000 बसेज हैं, उनकी एंटायर फ्लीट को जो है वो ये UL अल्ट्रा लो एमिशन जोन स्टैंडर्ड्स को जो है फॉलो करना पड़ेगा। मेक्सिको सिटी की बात करें हम लोग, मेक्सिको में भी ऐसे ही जैसा ऑडिविन आप लोग कहते हैं, मेक्सिको वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इन 1992, और 1992 से उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, और वहाँ पे भी ख़ास करके ऐसे एफर्ट्स लाइक जैसे ऑडिविन डिलेमिया है, तो वो उस समय ही लेके आए थे, ऑडिविन लेके आए थे, एक दिन नो कार डे होता था, उस दिन कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये सब अभी भी हालांकि पीपल आर फाइंडिंग वेज टू गो अराउंड इट, बहुत लोगों ने दूसरी गाड़ियाँ खरीद ली हैं कि हमको वीक में सारे दिन चलाने का मौका मिले,
लेकिन अभी भी काफ़ी स्टिफ स्टैंडर्ड्स हैं मेक्सिको सिटी में. लॉस एंजलिस की बात करें, लॉस एंजलिस में काफ़ी व्हीकुलर एमिशन था, काफ़ी इंडस्ट्रियल एमिशन था, उसके अलावा पोर्ट से काफ़ी एमिशन था, तो काफ़ी उन्होंने रेगुलेटर कंट्रोल किया. हमारे यहाँ दिल्ली के लिए बसेस ही नहीं मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे नहीं देती है, दिल्ली की सरकार के पास पैसे नहीं है. तो दिल्ली ने भी कमिट किया है, C40 एक इनिशिएटिव है वेयर मोर देन 90 सिटीज़ हैव कमिटेड टू लाइक ब्रिंग पॉल्यूशन लेवल्स एज परमिसेबल बाई WHO स्टैंडर्ड्स बाई 2030. और वो दो साल में एक प्लान लेके आने वाले हैं, सिटी एक्शन प्लान, और उसमें दिल्ली भी एक सिटी है. दिल्ली ने कमिट किया है कि हम 269 वाटर बॉडीज़ को ठीक करेंगे और 5000 किलोमीटर्स रोड को वी विल सॉर्ट ऑफ डू ग्रीनस्केपिंग एंड वी विल ऑल्सो एड 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस इन द सिटी. तो कोशिश हो रही है, लेकिन हम अगर सोचें कि ओवरनाइट थिंग्स कैन चेंज, दिस कैन नेवर हैपन, बट वी नीड स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रेगुलेशंस. एंड कैब जैसे हम लोग इस साल लेके आए, नेशनल क्लीन एयर प्लान जो है वो लेके आए, उसका टारगेट है कि 20-30% जो है PM पार्टिकुलेट मैटर को कम करना है इंडिया के 102 सिटीज़ में बाय 2030. लेकिन उसमें कोई टाइम बाउंड टारगेट नहीं है, उसमें कोई सेक्टर रिलेटेड टारगेट नहीं है. दैट इज़ नॉट इवन हाफ गुड एज इवन आई वुड से हाफ हार्टेड मेजर. मुझे दो चार पाँच छः चीज़ें जो कि मैं कह चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि फिर से दोहराना ज़रूरी है कि दिल्ली में पॉल्यूशन को अगर हमको देखना है तो पंजाब को पहले डील करना पड़ेगा, और डील करना पड़ेगा फार्मर्स को कुछ इंसेंटिव देके. 6,000 रुपये वो मांग रहे हैं, लेकिन 5,000 रुपये पर एकड़ भी अगर आप फार्मर्स को देते हैं, अगर सारे मनरेगा के कार्ड होल्डर्स जितने हैं उनको यू डिप्लॉय इन रिमूविंग स्ट्रॉ फ्रॉम द फील्ड्स, दैट विल एड्रेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम आई गेस. सेकेंड इशू ये है कि उसका इकोनॉमिक यूज़ करने की हमको एक स्ट्रैटेजी ज़रूर बनानी पड़ेगी सरकार को. उसका हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में उसको कन्वर्ट करें या और कोई इकोनॉमिक वैल्यू उससे निकालें, जो कि आजकल बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इट्स क्वाइट इजी टू डू दैट. बहुत लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि स्ट्रॉ का कुछ कुछ बना रहे हैं. तीसरा है कि दिल्ली में हमको प्राइवेट व्हीकल्स और ख़ास करके डीजल रन व्हीकल्स, इनको रेगुलेट करना पड़ेगा, इसके बिना कोई चारा नहीं है. थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं उनको, उनके एमिशन को, स्टैंडर्ड्स को हमको, खास करके दिल्ली के अराउंड तकरीबन 32 गीगावाट के थर्मल पावर प्लांट्स हैं, और ये ओखला और गाजीपुर वेस्ट टू एनर्जी जो प्लांट है ये हाथी के दांत हैं. वो एक्चुअली वेस्ट हमारे यहाँ सेग्रीगेटेड होता नहीं है, तो जैसा वेस्ट होता है उसके हिसाब से जो ये बनाने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसमें एमिशन ज़्यादा होता है बजाय वेस्ट मैनेजमेंट के. और चौथी बात की एनकैप को हमको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव और थोड़ा सा एम्बिशियस बनाना पड़ेगा और थोड़ा सा क्लियर बनाना पड़ेगा. और या यही सब कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने कहना चाहता था. बीइंग ए लास्ट स्पीकर इज़ वेरी डिफिकल्ट. सब लोगों को लगता है कि कितनी जल्दी काम खत्म हो जाए, निकल जाए. आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.